Assalamualaikum and a very warm welcome to Dr. Nashiva Salman and Skin Solutions. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक्सक्यूज करना चाहती हूँ बिकॉज जो हमारा टाइम था लाइव जाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बिकॉज एक कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से उसको फिक्स करना पड़ा और उसको फिक्स करके और फिर मैं आपके पास आई हूँ. तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे. क्या चल रहा है जी आप सबकी लाइफ में, और ये बताएं कि स्किन में और बालों में क्या चल रहा है. और एकदम से ऐसे लग रहा है कि गर्मियां आ गई है. ये बहुत अजीब बात है कि हमें कोई ट्रांजिशन पीरियड ही समझ में नहीं आया और एकदम से लगा कि पहले सर्दियां थी और उसके बाद एकदम से ही जो है वो तेज गर्मी जैसे आ जाती है वैसे हो गया. और बस अब एकदम से जो है वो आपकी हर चीज चेंज हो गई है. चेंज इन अ सेंस कि आपके बालों का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, आपकी स्किन का बिहेवियर भी चेंज होगा. वो तो एक ऑब्वियस ही बात है कि वेदर रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो तो आने ही होते हैं. तो आप सब बताएं कि आप लोगों की स्किन जो है वो आजकल इस वेदर में कैसी रह रही है, क्योंकि एकदम से हम लोग सर्दी से निकल के गर्मियों में आ गए हैं ऐसे ही लग रहा है. और रमजान भी आने वाला है और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे. लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है पोस्ट एक्नी स्कार्स, क्योंकि बहुत ज्यादा आप में से ऐसे लोग थे जो कि मैसेजेस कर रहे थे कि पोस्ट एक्नी स्कार्स के बारे में कुछ बताएं कि उसके लिए क्या किया जा सकता है और कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं पोस्ट एक्नी स्कार्स के लिए और कितना रिजल्ट जो है वो हमें मिल सकता है. जी जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाएं और उसके साथ साथ जो है वो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट एक्नी स्कार्स. सबसे पहले आपने टॉपिक को समझना है. पोस्ट एक्नी स्कार्स का मतलब ये हुआ कि स्कार्स रह गए, एक्नी चली गई. एक्नी के जाने के बाद आपके स्कार्स रह गए या ड्यू टू एक्नी आपको स्कार्स पड़ते जा रहे हैं. मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को कि स्कार्स और स्पॉट्स में क्या डिफरेंस होता है. स्पॉट जो है वो एक धब्बा होता है, एक निशान होता है, और स्कार जो होता है वो एक खड्डा होता है, यानी कि वो एक क्रेटर होता है. ऐसे करके गहराई के अंदर जो है वो एक खड्डा, एक गहरा खड्डा पड़ा हुआ होता है स्किन में, जिसको स्कार बोलते हैं. जो स्पॉट होता है वो सिर्फ एक निशान होता है या एक धब्बा होता है. ये मैं इसलिए आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरे फेस के ऊपर जो हैं वो स्कार्स हैं, जबकि उनके फेस पे स्कार्स नहीं, उनके फेस के ऊपर धब्बे पड़े हुए होते हैं या निशान पड़े हुए होते हैं दानों के, और उनको जो है वो स्कार्स नहीं कहते, उनको स्पॉट्स कहते हैं. लेकिन जो स्कार होता है वो हमेशा एक डिप होगा या एक खड्डा होगा आपकी स्किन के अंदर, जिसको भरना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको भरेंगे नहीं तो वो कभी खत्म नहीं होगा. और जो खड्डे होते हैं वो लगाने वाली चीजों से जाते भी नहीं है. उसके लिए ये मस्ट होता है कि आपको कोई ना कोई सपोर्टिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि प्लीज इसको याद रखें कि अगर आपके फेस पे एक्नी होती रहेगी तो आपके फेस पे नए निशान भी आते रहेंगे, आपके फेस के ऊपर नए खड्डे भी आते रहेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस के निशान खत्म हो जाएं और आपके फेस के खड्डे खत्म हो जाएं, तो उसके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होगी, एक्नी को ट्रीट करना. जब तक हम एक्नी को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक हमारा ये इशू सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी नया दाना आएगा वो नया निशान भी छोड़ जाएगा और नया खड्डा भी बना जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाह रही थी कि आप लोग इस चीज को सेपरेट कर लें कि निशान क्या होता है या धब्बा या स्पॉट क्या होता है या निशान क्या होता है और खड्डा क्या होता है. खड्डा हमेशा गहराई में होगा और गहरा होगा और स्किन के लेवल से जो है वो अंदर को धंसा हुआ होगा. आपने ये देखा होगा कि स्कार्स जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं. समटाइम्स जो है वो स्कार्स ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे जैसे डॉट्स होते हैं उस तरह से होते हैं, जिनको हम आइस पिक स्कार्स बोलते हैं. और वो स्कार्स जो हैं वो आपको ऐसे भी लगता है, बहुत दफा लोग कहते हैं कि मेरे फेस पे ओपन पोर्स हैं, जबकि वो ओपन पोर्स नहीं होते, वो छोटे छोटे स्कार्स होते हैं. लेकिन वो होते राउंड शेप में है और छोटे छोटे उन्हीं जगहों के ऊपर होते हैं जहां पे ओपन पोर्स होते हैं. तो मोस्ट लाइकली लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि उनके ओपन पोर्स हैं, और वो ओपन पोर्स वाली किसी भी रेजीम से, किसी भी स्किन रूटीन से या किसी भी एप्लीकेशन से जा ही नहीं रहे होते. वो इसीलिए नहीं जा रहे होते कि वो तो खड्डे होते हैं, जब तक हम खड्डों को भरेंगे नहीं तब तक जो है वो हमारा प्रॉब्लम या इशू सॉल्व नहीं होगा.
अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गए आइस पिक स्कार्स, जो बिल्कुल टाइप्स ऑफ स्कार्स मैं आपको बता रही हूँ। आइस पिक स्कार्स जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं वो डॉट्स की शक्ल में होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल वाले जो स्कार्स होते हैं वो होते हैं बॉक्स स्कार्स। बॉक्स स्कार्स क्या होते हैं, वो ऊपर से मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, जैसे मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ। जो आइस पिक स्कार्स हैं, आइस पिक स्कार्स जो हैं वो ऐसे ऐसे राउंड होंगे, ठीक है। इनको ट्रीट करना आसान होता है क्योंकि ये अंदर से भी इसी तरह से आपकी स्किन जो है वो उड़ी हुई होती है या आपकी स्किन जो है वो खराब होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ बॉक्स स्कार्स। ये देखें, बॉक्स स्कार्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं, और जो बॉक्स स्कार्स इस तरह के हैं ये आपको नजर आएंगे, जैसे बिल्कुल अजीब सी इररेगुलर सी शक्ल के अंदर जो है वो आपको स्कार्स नजर आ रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये अंदर से भी यहां से स्किन जो है बॉक्स स्कार्स के नीचे जो स्किन होती है वो इसी तरह खराब हुई हुई होती है जैसे उनकी ऊपर से शक्ल होती है। ये आइस पिक स्कार्स हैं, इनको ठीक करना आसान है कंपैरेटिवली, और ये जो है ये बॉक्स स्कार्स हैं इनको ठीक करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हो सके कि किस किस्म के स्कार्स होते हैं और उसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके फेस पे एक्नी है, आपके फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है चाहे वो किसी भी तरह के हैं, कि जी मुझे तो पैप्यूल्स बनते हैं, मुझे तो पस वाला दाना बनता है, मुझे तो उसका मुंह ही नहीं होता, वो स्किन के अंदर दाना बनता है, जो एक्नी इट्सेल्फ है वो आपकी स्किन को खराब भी करती है, आपके स्किन के स्ट्रक्चर को भी खराब करती है, और उसकी वजह से जिनकी स्किन में टेंडेंसी होती है उनकी स्किन में खड्डे भी बनते हैं। तो फिर खड्डों से कैसे जान छूटेगी अगर हमारी एक्नी ही खत्म नहीं होगी या ठीक नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं कि हमने इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक्नी को ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद आ जाता है ताकि नया खड्डा ना बन सके, नया निशान और नया खड्डा पड़ ही ना सके, इसलिए सबसे पहले एक्नी को ट्रीट करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि हम सबसे पहले एप्लीकेशंस पे जाते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो उसको हम बेहतर टेक्सचर दे सकें, ठीक है। खड्डे ने उससे नहीं भरना, लेकिन ये एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे दिया जाता है। जब हम आपका कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं तब भी देते हैं, और विदाउट एनी प्रोसीजर भी हमने आपको ये देना ही है। इसमें हम किस तरह की चीजें देते हैं, एंटी स्कार जेल्स आते हैं उनको दिया जाता है, और याद रखें जितना आपका फ्रेश स्कार होगा उतना ही उसको ट्रीट करना आसान होगा, जितना पुराना होता जाएगा उतना ही उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सन ब्लॉक लगाना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि सन ब्लॉक जो है वो वियर एंड टियर को रोकेगा, यानी कि मजीद डिस्ट्रक्शन नहीं होने देगा, तो उसकी वजह से हमारी हीलिंग कैपेसिटी स्किन की बेहतर हो जाएगी। स्किन ने हील तो होना है ना, उसको हील तो करना है, हीलिंग कैपेसिटी जो है वो स्किन की उसकी वजह से बेहतर हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि हम सबसे पहले टॉप पे क्या देते हैं, आपका सन ब्लॉक होगा, उसके सन प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ जो है वो हम एंटी स्कार जेल्स देते हैं। इसके अलावा क्या दिया जाता है, इसके अलावा सेरामाइड्स दिए जाते हैं लगाने के लिए, सेरामाइड की प्रेपरेशंस दिए जाते हैं, उसके अलावा जो है वो कॉलेजन के प्रेपरेशंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। जो एंटी स्कार जेल्स होती हैं वो स्कार टिश्यू बनने से रोकती हैं। आप इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड करें, एक नॉर्मल स्किन है और एक स्कार वाली स्किन है। जो नॉर्मल स्किन होगी उसका स्ट्रक्चर और होगा, जो स्कार वाली स्किन होती है उसका स्ट्रक्चर और होता है। तो हमने बेसिकली स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना है, स्कार को फिल करना है, और उसके साथ साथ हीलिंग भी तो चाहिए ना। अगर हीलिंग नहीं होगी तो फिर तो किसी भी चीज में काम नहीं करना, फिर तो कोई भी प्रोसीजर कर लें उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी मैं आपको कुछ ये बता रही थी कि आपको लगाने के लिए क्या क्या चीजें देते हैं या आपको बताई जाती हैं, वो जरूर यूज करें। वो आपको अलहदा भी यूज करने के लिए सेपरेटली भी दी जाती हैं, और उसके साथ साथ जो है हम आपका कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके साथ भी हमने आपको ये देनी ही होती है। अब हम आ जाते हैं कि हमें किस किस्म के प्रोसीजर्स जो हैं वो इसके लिए किए जा सकते हैं। सबसे जो टॉप पे आता है वो आता है कि हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करें। अगर तो आपके स्कार्स आइस पिक स्कार्स हैं और बहुत कम एरिया पे हैं, जैसे बहुत थोड़े एरिया पे हैं, चंद हैं,
तो हम उसके अंदर डर्मा रोलर या डर्मा पेन से स्टार्ट कर सकते हैं। डर्मा रोलर जो है वो रोलर की फॉर्म में होता है, उस पर बहुत फाइन नीडल्स होती हैं। जो डर्मा पेन होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली चलाते हैं, उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती है। नीडल का साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं जिस तरह के स्कार्स हों उसके हिसाब से। तो ये हमने जो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स बता रही हूँ वो डर्मा रोलर एंड डर्मा पेन, पहले डर्मा रोलर फिर डर्मा पेन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेजर्स पे। लेजर्स जो हैं उसके अंदर फिर हम आ जाते हैं फ्रैक्शनल लेजर्स पे। जो लेजर है वो क्या करता है, वो आपकी स्किन को लेवल करता है और लेवल करने के साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्ड शुरू करता है, जिससे आपके खड्डे भरना शुरू हो जाते हैं। फिर लेजर्स आ जाते हैं। लेजर्स के अलावा जो है ये भी होता है कि कभी कभार हम खाली लेजर यूज करते हैं, कभी कभार लेजर को यूज करने के साथ साथ जो है वो मीजोथेरेपी भी की जाती है, और सम टाइम्स हम जो है वो इसके अंदर फिलर्स लगाते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि फिलर हम लगा तो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें एक पाउच की तरह जगह चाहिए। अगर कोई जगह जो है वो बनी हुई होगी तो उसको आप फिल करेंगे ना, अगर ऊपर वाली लेयर उड़ी हुई है तो फिर तो आप फिल नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि सम टाइम्स हमें ये करना पड़ता है कि हम पहले लेजर्स यूज करते हैं और उसके बाद जो है वो फिलिंग इंजेक्शंस या फिलर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये थे जी कुछ प्रोसीजर्स। केमिकल पील्स वगैरह भी किए जाते हैं लेकिन पाकिस्तानी स्किन जो है वो यूजुअली टफर होती है, यूजुअली थिकर होती है, और उसके अलावा जो है उसके अंदर पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब हम पीलिंग के डेप्थ ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा शेयर या हाई चांसेस होते हैं कि क्योंकि पीलिंग जो है वो आपने डीप पील की है तो उसकी वजह से जो है वो रीबाउंड पिगमेंटेशन आ सकती है। केमिकल पील्स बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके लिए डीप केमिकल पीलिंग की जरूरत होती है। और अगर पाकिस्तानी स्किन के ऊपर या पाकिस्तान में जो वेदर ज्यादातर चलता है या जो स्किन टाइप है उसके ऊपर ये करते हैं, डीप पील करते हैं, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो स्किन है उसके ऊपर पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। इसलिए कुछ जो मैंने आपको सेफ प्रोसीजर्स हैं वो बताए हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड लगाने के लिए दिया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, वो स्किन को प्लम्प अप करता है और स्किन के अंदर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर करके आपकी स्किन के स्ट्रक्चर को पहले से बेहतर और प्लम्प करता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ, जैसे मैं नाम ले रही थी। अब आप इसको देखें तो ये एक जेल है, दिस इज एंटी स्कार जेल। एंटी स्कार जेल जो है वो बेसिकली हमने स्कार्स के ऊपर ही लगानी होती है, यूजुअली दिन में एक से दो दफा लगवाया जाता है इसे। उसके बाद आपको एक और एंटी स्कार जेल दिखा रही हूँ, ये ओ वाओ इसका कलर तो मेरे ड्रेस के कलर से मैच कर रहा है। एंटी स्कार जेल ये वाली भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली एंटी स्कार जेल जो है ये भी इसी तरह से होता है कि आपने दिन में एक से दो दफा स्कार्स के ऊपर लगानी है, पूरे फेस पर लगाने वाली चीज नहीं है। ये जो है ये वैसे भी सिलिकॉन बेस्ड है और सिलिकॉन बेस्ड स्कार जेल्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, बट इट्स बेटर कि आप उसको सिर्फ खाली स्कार के ऊपर लगाएं क्योंकि इससे पोर्स भी क्लॉग हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कॉलेजन सीरम। कॉलेजन क्या करती है, कॉलेजन जो है वो हमारी स्किन में रिपेयर करने के लिए, हमारी स्किन को रिपेयर के लिए कॉलेजन की जरूरत होती है, क्योंकि जहां पे खड्डा हो जाता है, खड्डा पड़ जाता है या स्कार पड़ जाता है वहां से कॉलेजन इलास्टिन खत्म हो जाती है, तभी हमें एक क्रेटर एक खड्डा नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ये भी हम साथ लगाने के लिए देते हैं। उसके बाद मैं आपको हाइलुरोनिक एसिड के कुछ प्रेपरेशन जो है वो दिखाने लगी हूँ। जैसे ये है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है और उसके साथ साथ जो है वो सेरामाइड्स भी हैं। सेरामाइड्स मैंने आपको कहा था कि सेरामाइड्स बहुत अच्छे रहते हैं बिकॉज सेरामाइड्स जो होते हैं वो सीमेंट ऑफ द स्किन है। सेरामाइड्स जो है वो सीमेंट ऑफ द स्किन होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो हमारी स्किन की जो रिपेयर है उसको बहुत अच्छा कर देते हैं, हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको हाइलुरोनिक एसिड के प्रेपरेशन दिखा रही हूँ। ये देखेंगे प्योर हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है, ये भी जो है ये प्योर हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है। और अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये सीरम जो है इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है और इसके अंदर ब्राइटनिंग एजेंट भी है। इसका मतलब ये है कि ये वाला सीरम जो है ये हम ऐसी स्किन पे लगवा सकते हैं जहां पे निशान यानी कि धब्बे भी पड़े हुए हैं और खड्डे भी पड़े हुए हैं, ठीक है। नेवरदलेस ये बहुत जरूरी है,
कि आपकी स्किन पे अगर दाने बनते हैं या एक्नी होती है तो आप एक्नी को ट्रीट करा लें, क्योंकि एक्नी को ट्रीट करना इनेविटेबल है। सबसे पहले एक्नी को ही ट्रीट करना है, बाकी सब चीज़ों की बारी बाद में आएगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें एक्नी की वजह से ही हो रही हैं, चाहे वो आपके धब्बे हैं, निशान हैं या फिर खट्टे हैं। ठीक है,